हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस गर्मियों में हमारी बॉडी में होने वाली पानी की कमी को पूरा करता है और ये हमें हाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के सीज़न में इसे कंज्यूम करना चाहिए। तो चलिए हमें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ तरबूज को छीलकर इसके पीसेस कट कर लिए हैं। ये 2 कप तरबूज है कटे हुए, लगभग ये 500 ग्राम तरबूज के पीसेस है। इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। हमें यहाँ पर 4 से 5 फ्रेश मिंट लीव्स चाहिए होंगे, आधा नींबू का रस, 1 से 2 पिंच हम काला नमक लेंगे, 2 चम्मच हम पाउडर शुगर लेंगे, एक ब्लेंडिंग जार हम ले लेंगे और इसमें हम वाटरमेलन की पीसेस डाल देंगे। इसे ब्लेंडिंग जार में डालने से पहले इसके हमें बीज पूरे निकाल लेना है। अब हम इसमें ये पुदीने के पत्ते डालेंगे, बस 3 से 4 हमें इसमें डालना है। पुदीने के पत्तों की भी बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होता है, ये एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट होता है और नींबू भी ये बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यूज है। इसके विटामिन सी होता है बहुत सारा, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हम 1 से 2 पिंच हम यहाँ पर काला नमक डालेंगे और पाउडर शुगर डालेंगे। अगर आपका तरबूज ज़्यादा मीठा है तो शक्कर आप यहाँ पर कम डालिए। इन सारी चीज़ों को डालकर हम ब्लेंड कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे एक छलनी में डालकर छान लेंगे। फ्रेंड्स, वाटरमेलन में 90% से ज़्यादा वाटर होता है और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है। सारे जूस को हम छलनी में डाल कर छान लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे छान लिया है और हमारा फ्रेश वाटरमेलन जूस रेडी है। चलिए, अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। सर्विंग ग्लास में सबसे पहले हम आइस क्यूब डालेंगे। तीन से चार आइस क्यूब्स हम एक एक ग्लास में डाल देंगे। अब हम इसमें वाटरमेलन जूस डाल देंगे। आप चाहे तो इस जूस को फ्रिज में रखकर ठंडा होने के बाद पी लीजिए, या तो फिर इस तरह से आइस क्यूब डालकर इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वाटरमेलन जूस को इस गर्मियों में बनाइए और इस ठंडे ठंडे वाटरमेलन जूस का मज़ा लीजिए। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे वाटरमेलन के पीसेस के साथ और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले।